तो इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे यहाँ पर दिया गया है और इसको देख लीजिए। इस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एग्जाम में गर्दा मचा के आइएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। चार ऑप्शन है 1974, 75, 76, 77। कब हुआ था? ऑप्शन सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 75, 80, 69, 82। कब? 75। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सहकारिता प्रांत के सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बनी? 1929, 1919, 1918, 1914, 1919। ऑप्शन बी। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, वित्त आयोग? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर? जिला स्तर पर। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण ऋण उपलब्ध कराती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से सभी? अल्पकालीन। ऑप्शन ए। इसके बाद देखो, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर? मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है? वित्तीय राजधानी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 34, 35, 48, 51। 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 को। कब किया गया था? 1949 को। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1902 में, 1904 में, 1910 में, 1919 में? 1904 में। ऑप्शन बी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1954, 1956, 1950। कब हुई? 1954। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अमर सेन, विमल जलान, सी रंगराजन? मोहम्मद प्रोफेसर। और ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। कहाँ के हैं? बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश में भी देखो, पहले बांग्लादेश भी जो था ना, भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। आज़ादी के बाद ये दोनों देखो देश क्या हो गया? अलग हो गया। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, और पाकिस्तान के अंतर्गत ही आता था बांग्लादेश, ठीक ना। 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, और वहीं के हैं बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अभी क्या बने हैं? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। छात्र आंदोलन नहीं हुआ था बांग्लादेश में, इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री यही बने हैं, मोहम्मद यूनुस। भारत में एक रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? वित्त विभाग। एक रुपये का सिक्का जारी करता है? वित्त विभाग। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था को क्या कहते हैं? भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक? नाबार्ड। नाबार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु, बैंक की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु, इनमें से सभी? इनमें से सभी। ऑप्शन बी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ऑप्शन ए। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से कोई नहीं। भूमि विकास बैंक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का यह क्या है? हेड है, ठीक ना। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 66 में, 80 में, 69 में, 75 में। 69 में। ऑप्शन सी, 69 में किया गया था। जितने भी कमर्शियल बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। महाजन। महाजन, महाजन किसको बोलते हैं? गांव घर में किसी से कर्ज नहीं लेते हैं। ऑप्शन क्या हो गया बी। निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? महाजन है, साहूकार है, व्यावसायिक बैंक है, व्यापारी है। व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक संस्थागत है। गैर संस्थागत में कौन आता है? महाजन। गैर संस्थागत में कौन आता है? महाजन। और संस्थागत में कौन आता है? व्यावसायिक बैंक। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 14, 19, 20, 27। 14। कितने हैं? 14। ऑप्शन ए। और वर्तमान में भारत में कुल जो है ना 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने बैंक हैं? 12। इसके बाद देखो, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में। कब हुआ? 1904 में। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 50, 75, 35, 25। 25। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929, 1919, 1918, 1914। ऑप्शन डी। 1919 में। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 190, 192, 1900, 199, 196। 196। 196। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कर आय की प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, परिवहन के लिए। कृषि के लिए। ऑप्शन ए। मैकलेगन समिति बनाई गई है 11 में, 14 में, 15 में, 16 में। 1914 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई कब हुई थी? 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। 1982 में। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। पहला है सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार। सहकारी बैंक। देखो सहकारी बैंक क्या है? संस्थागत है। क्या है? संस्थागत। इनका एक हेड होता है, इनका अनेक ब्रांच होता है। महाजन आदमी कोनो संस्था नहीं है ना जी। व्यापारी कोनो जो है कि संस्था नहीं है ना जिसे ऋण लेती है। रिश्तेदार कोई संस्था नहीं है। सहकारी बैंक क्या है? संस्था है। यहाँ पर कह रहा है कि संस्थागत नहीं है, गैर संस्थागत है, तो क्या होगा? सहकारी बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? RBI। ऑप्शन डी। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं
केंद्रीय बैंक बैंक वित्त बैंक वाणिज्यिक बैंक देखो वाणिज्य बैंक सहकारी बैंक ऑप्शन बी। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है देशी बैंकर व्यावसायिक बैंक सहकारी बैंक इनमें से कोई नहीं देशी बैंकर ऑप्शन ए देशी बैंकर। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है चालू जमा संचय जमा अस्थायी जमा अग्रिम जमा अग्रिम जमा। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक द्वारा देखो वाणिज्य बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा इनमें से कोई नहीं वाणिज्य बैंक द्वारा ऑप्शन बी। अब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है साख मुद्रा का नियंत्रण बैंकिंग व्यवस्था का नियमन सरकार का बैंकर ये सभी ऑप्शन डी। बैंक का कार्य नहीं है पहला है लॉकर सुविधा स्वयं सहायता समूह बनाना नगद साख क्रेडिट कार्ड स्वयं सहायता समूह बनाना तो स्वयं सहायता समूह जो है ना बैंक का कार्य नहीं है लॉकर का सुविधा देता है बैंक लॉकर की सुविधा हम क्या करते हैं तुम्हारे पास सोना चांदी कुछ भी गिरवी रखना चाहती है तो बैंक क्या देता है लॉकर की सुविधा। इसके बाद देखो क्रेडिट कार्ड देवे करता है रुपया खरीदारी करने के लिए। अगला देखिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए सामान्य वर्ग के लिए व्यापारिक वर्ग के लिए इनमें से कोई नहीं गरीब तबके के लिए। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है कौन देती है सहकारी बैंक प्राथमिक सहकारी समिति केंद्रीय बैंक इनमें से कोई नहीं प्राथमिक सहकारी समिति ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है व्यावसायिक बैंक सहकारी समितियां महाजन व्यापारी कौन है व्यावसायिक बैंक ऑप्शन ए। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है प्रतिभूति बाजार औद्योगिक बाजार विकास वित्त संस्थान भारतीय मुद्रा बाजार विकास वित्त संस्थान ऑप्शन सी। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सहकारी बैंक व्यावसायिक बैंक राजकीय संस्थाएं राष्ट्रीय संस्थाएं व्यावसायिक बैंक। वित्तीय सेवाओं की आवश्यक होती है देखो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को व्यावसायिक संस्थाओं को सरकार को इनमें से सभी तो ऑप्शन क्या हो गया डी। अब 44 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है व्यावसायिक बैंक सहकारी साख समितियां बीमा कंपनियां उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी। शेयर बाजार की नियामक संस्था है सिडबी सेबी आरबीआई स्टॉक एक्सचेंज SEBI सेबी है ऑप्शन बी। इसको क्या बोलते हैं सेबी।